Hello kids, welcome back. I'm Vandana and we are learning English reader of class 1 by Brain Root series. And here's a book, Literary Journeys. Today we are going to start chapter number 7, The Smart Monkey. So here we will learn about a monkey and he was quite smart. So let's start with the warming up. The two girls in the story are not so smart as the monkey. तो ये जो story है इसमें दो girls हैं वो monkey जितनी smart means चालाक नहीं हैं. While eating in the park, they scatter the wrappers of the food items. तो जब वो girls क्या कर रही थी park में कुछ खा रही थी तो उन्होंने क्या किया जो wrappers हैं means जो chips के wrappers होते हैं या किसी और food item के wrappers होते हैं उन्हें बेंच पे छोड़ दिया वाइल द मंकी ईट बनाना एंड थ्रो द पील इन द डस्टबिन. लेकिन मंकी क्या करता है बनाना को खाता है और डस्टबिन में उसके छिलके को फेंक देता है. तो आप बताओ कौन है ज्यादा स्मार्ट, वो गर्ल्स जो चिप्स खा के पैकेट वहीं बेंच पे छोड़ दे रही हैं या फिर वो मंकी जो बनाना खा रहा है और उसके पील को उसके छिलके को डस्टबिन में फेंक रहा. तो आप बताइए कौन स्मार्ट है. आफ्टर सीइंग This they felt ashamed and realized their mistake. और ये देखने के बाद वो जो girls हैं उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया. So one day Anju and Farida went to the market. तो एक दिन की बात है Anju और Farida कहाँ गए? Market गए. Anju bought a bag and Farida bought a packet of groundnuts. तो Anju ने एक bag खरीदा और Farida ने एक packet भर के groundnut खरीदा means मूंगफली खरीदी and a bottle of juice और जूस का एक बॉटल खरीदा. They felt tired, अब वो थक चुके थे मार्केटिंग करके. They went to the nearby garden. उन्होंने सोचा कि चलो पास में गार्डन है वहाँ जाके रेस्ट कर लेते हैं आराम कर लेते हैं. On a bench under the tree. तो वहाँ पे एक ट्री था उसके नीचे एक बेंच था तो वहीं पे चल के बैठ के हम लोग क्या कर लेते हैं आराम कर लेते हैं. There was a monkey on the branch of the tree above them. और जिस पेड़ के नीचे वो बैठे थे उस पेड़ पे एक बंदर बैठा हुआ था. Farida and Anju did not see the monkey. अब Farida और Anju ने monkey को नहीं देखा. They took out their food from the bag and began to eat. अब उन्होंने अपना खाना निकाला बैग में से और खाने लगे. The monkey had a banana. Monkey के पास एक banana था. He peeled the banana and ate it. उसने भी उस banana को छीला और खा लिया. Farida and Anju took out the groundnuts and started eating. अब उन्होंने वो मूंगफली निकाली उसको छील छील के वो खाने लगी. They threw the packet down. उन्होंने packet को वहीं फेंक दिया जहाँ वो बैठी हुई थी. Then they drank the juice and threw the bottle down the bottle. फिर जूस पिया और बॉटल वहीं फेंक दिया. Just then the monkey climbed down the tree with the banana peel. अचानक से क्या हुआ मंकी पेड़ पे से नीचे आता है उस केले के छिलके के साथ. There was a dustbin और पास में ही एक डस्टबिन था. The monkey threw the banana peel into the dustbin. मंकी ने क्या किया पेड़ से उतरते ही वो banana peel वहां डस्टबिन में डाल दिया. Farida and Anju saw this and felt ashamed. अब ये देख के कि अरे हम तो इंसान हैं हमने यहाँ इतना सारा कूड़ा फैला रखा और ये तो एक जानवर है ये डस्टबिन में कूड़ा डाल रहा है तो ये देख के उन्हें बहुत शर्म आई. Ashamed means शर्म आना. They picked up the packet and the empty bottle. उन्होंने पैकेट को उठाया उस खाली बॉटल को उठाया and threw them into the dustbin और उसे डस्टबिन में डाल दिया. Now children, let's move on to glossary. Groundnut is an edible seed also known as peanut. Groundnut को हम peanut भी बोलते हैं, इसे हम खा सकते हैं. Tired का मतलब होता है feeling of taking rest or sleep. Means थकान हो जाना और आपको लगे कि आप सो जाओ या फिर थोड़ी देर कहीं बैठ जाओ. Smart का मतलब है intelligent. Mistake क्या है? Wrong deed को हम mistake कहते हैं. पील आउटर लेयर ऑफ अ फ्रूट और वेजिटेबल, वेजिटेबल या फ्रूट के बाहर का हिस्सा. फेल्ट मतलब रियलाइज्ड. अशेम्ड फेल्ट शाई, कैसा फील करना? शाई फील करना. नेक्स्ट एम्प्टी मीन्स हैविंग नथिंग, कुछ भी ना होना, दैट इज एम्प्टी. लेट्स मूव ऑन टू
book exercise comprehension, a part which is multiple choice question. So Anju and Farida went to a dash. कहाँ गए वो? Market, park, picnic or holiday. तो वो गए market. They bought a packet of dash. उन्होंने क्या खरीदा? Packet chips खरीदा, biscuit खरीदा, groundnut खरीदा या फिर almonds खरीदे? तो उन्होंने groundnuts का packet खरीदा. They sat on a bench to वो बेंच पे बैठे क्या करने के लिए? स्लीप, सोने के लिए, टॉक, बात करने के लिए, सिंग करने के लिए या फिर रेस्ट करने के लिए. तो बैठे हैं रेस्ट करने के लिए. देयर वॉज अ डैश ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री. उस ट्री के ब्रांच पे क्या बैठा हुआ था? एक स्पैरो, क्रो, स्नेक या फिर मंकी. सो इट वॉज मंकी. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग हेल्प बॉक्स. Anju and Dash went to the market. So Anju and Farida went to the market. So let's write here Farida. Next, second one is they bought a packet of Dash. वो क्या खरीद के लाए? Groundnuts, जिसे हम peanuts भी कहते हैं. Next, there was Dash on the branch of the tree. There was monkey on the branch of the tree. Manju and Farida drank. Manju और फरीदा ने क्या पिया? So they drank juice. उन्होंने जूस पिया. And threw the bottle. The monkey threw the banana peel into the. Monkey ने banana peel कहाँ फेंका? Dustbin में. So let's write here dustbin. आप कहाँ थ्रो करते हो अगर ऐसी कोई चीज है? वी शुड थ्रो इट इन द डस्टबिन. नाउ लेट्स मूव ऑन टू सी एक्सरसाइज विच इज राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग सेंटेंसेस. सो अंजू एंड फरीदा वेंट फॉर अ पिकनिक. क्या वो पिकनिक पे गए थे? नो, फॉल्स. अंजू बॉट अ पैकेट ऑफ ग्राउंडनट. अंजू ने ग्राउंडनट्स खरीदे? नो. She bought a bag, so this is also false. A snake was sitting on the branch of the tree. Snake baitha the tree pe? No. There was a monkey, so this is also false. The monkey had a banana. Jo monkey tha uske paas ek banana tha. Yes, true. The monkey threw the banana peel into the dustbin. Monkey ne wo kele ka chhilka dustbin mein dala. Yes, this is also true. So children, these were the exercises. With this, the chapter is over. I'll be meeting you soon with a new video. Till then, stay tuned and thanks for watching.